सो क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ अगेन अ क्वेश्चन ऑन द मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. ओके, सो ऐसा क्वेश्चन आप प्रीवियस एक्सरसाइज में एक पहले कर चुके हैं इन द मल्टीप्लीकेशन सेक्शन. सो दिस इज़ सेम बट अ स्मॉल चेंजेस हेयर. ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. सो द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सेइंग दैट इन अ क्लास टेस्ट +3 marks आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 marks आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस. ओके, सो इट मीन्स क्लास टेस्ट है, उसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +3 marks मिल रहे हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके -2 डिडक्ट हो रहे हैं. ओके, -2 marks मतलब आपको मिल रहे हैं, दैट इज 2 marks डिडक्ट हो रहे हैं. ओके, सो माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डिडक्शन. ओके, देन फर्स्ट पार्ट इज राधिका स्कोर्ड 20 marks. राधिका को टोटल 20 marks मिले हैं. ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस करेक्ट रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस मे बी इनकरेक्ट, एंड टोटल मिला करके उसको 20 marks मिले हैं. इफ शी हैज़ गॉट 12 correct answers, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. इट मीन्स उन्होंने बता दिया कि राधिका ने 12 questions को करेक्ट किया था. ओके, और 20 total उसको मार्क्स मिले हैं. दे आर आस्किंग यू दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. इनकरेक्ट उसने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया. ओके, सो हियर व्हाट आई हैव रिटन इज मार्क्स फॉर 1 correct answer इज +3, मार्क्स फॉर 1 incorrect answer इज -2, राधिका स्कोर्ड 20 marks, है ना. और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें एक गिवन है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ राधिका, कितने उसने करेक्ट आंसर किए, 12. सो स्कोर या मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स. तो अब उसने जब 12 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर किया है तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स कितने अवॉर्ड हुए होंगे उसको, 12 × 3, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 3 marks मिल रहे थे, 12 क्वेश्चंस के लिए 36 marks. ओके, सो बट टोटल मार्क्स, बट स्कोर ऑफ राधिका या टोटल मार्क्स ऑफ राधिका इज इक्वल्स टू 20 marks. सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स टू राधिका इज इक्वल्स टू 20 − 36. ओके, बिकॉज क्या हुआ यहाँ पर, देखो टोटल स्कोर 20 था, करेक्ट आंसर्स के लिए 36 मार्क्स मिले हैं, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए टोटल में से माइनस करूँगी ना. ठीक है, जो करेक्ट वाले हैं टोटल आंसर्स में से करेक्ट वाले आंसर्स माइनस करूँगी तो इनकरेक्ट के लिए पता चल जाएगा, एंड इट इज़ योर -16. सो -16 marks उसको इनकरेक्ट के लिए मिले, मीन्स -16 means जो उसके टोटल मार्क्स बन रहे थे उनमें से 16 डिडक्ट हो गए, दैट इज -16 शी गॉट फॉर इनकरेक्ट आंसर. तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन या इनकरेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर डिवाइडेड बाय मार्क फॉर 1 incorrect answer, तभी तो मिलेंगे हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, मतलब कि क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली आंसर किए हैं वो होगा उसका टोटल मार्क्स जो उसको मिले इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, अपॉन एक क्वेश्चन पर कितना मार्क्स अवॉर्ड हो रहा था फॉर इनकरेक्ट आंसर, -2. सो -, देयरफॉर 2, 8. इट मीन्स 8 questions शी आंसर
8 questions she answered incorrectly. Okay, very simple question. Replay the video, okay, and understand the concept. So in this question number 6, the second part is likewise the first part, and second part you are going to try by yourself. So go through this solution and just understand it. It is very simple, and in case of any problem, just ask me on the Google Classroom. Now moving towards the question number 7, after question number 7 we will just bind up with our chapter 1, and from the next video we will start our new chapter. Okay, so now question number 7, last question of this chapter. So in the question number 7, what are they are saying? An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. Okay, so there is an elevator jo descend hota hai, means moves down into a mine shaft, kis rate par? 6 meter per minute, matlab har ek minute mein, ek minute mein wo 6 meter niche chala jata hai. Okay, descends means going down. 6 meter per minute kehne ka matlab hai, in 1 minute it goes down 6 meter. Okay, ये आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए मीटर पर मिनट का. ओके, ये स्पीड है वैसे, यू कैन सी इट, इट इज़ अ स्पीड, बट व्हाट इट इंडिकेट्स पर मिनट मींस इन वन मिनट 6 मीटर डाउन. ओके, देन इट इज़ सेइंग इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. तो अगर आपका ये ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ अगर 10 मीटर इस लेवल से अगर डिसेंट होना स्टार्ट होता है above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? -350 meter means negative. अगर ये zero है ना, मैं इसको zero consider करूँ और ये positive 10 है because it is above the ground. So -350 means this is your 350 meter. So here is something -350. ठीक है, this is -350. तो वो पूछ रहे हैं, they are asking that how long will it take, कितना time उसको लगेगा 10 मीटर से यहाँ से वो डिसेंड होना स्टार्ट होता है तो कितना टाइम उसको लगेगा नीचे तक पहुँचने के लिए. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहीं से आता है वैसे. तो टाइम इज इक्वल्स टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय दिस और वी विल अंडरस्टैंड दिस इन अनदर वे ऑल्सो. सो वॉट आई एम सेइंग दैट वो 10 डिग्री अबव द ग्राउंड से डिसेंड होना स्टार्ट होता है और उसको -350 मीटर वो कब पहुँचेगा. ठीक है, टाइम निकालना है आपको. सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा. नाउ टाइम निकालना है, द इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर इज 10 मीटर. ठीक है, प्लस 10 मीटर बिकॉज इट इज अबव द ग्राउंड. फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर इज -350 मीटर पर पहुँचना है उसको. द टोटल डिस्टेंस डिसेंडेड बाई एलिवेटर मीन्स टोटल डिसेंट डिस्टेंस जो वो नीचे तक मूव किया है, दैट इज -350 -10. यहाँ से भी देख सकते हैं आप, दिस इज -350 एंड दिस इज योर 10, मीन्स टोटल -360 मीटर. क्लास 7 ये भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. ओके, द डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट टोटल डिस्टेंस वो -360 मीटर डिसेंड कर रहा है, इट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर 360 मीटर वो डिसेंड कर रहा है, 360 मीटर इट इज़ गोइंग डाउन. माइनस इंडिकेट्स दैट इट इज़ गोइंग डाउन द डायरेक्शन. ठीक है, डिस्टेंस की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है माइनस. सो वी विल हैव द टोटल डिस्टेंस जो वो डिसेंड करेगा बाय द एलिवेट डिसेंडेड बाय द एलिवेटर इज -360 मीटर. नाउ इट इज़ गिवन दैट सिक्स मीटर पर मिनट वो नीचे जाता है. ओके, सो वी विल से दैट टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मिनट. अब मैंने यहाँ पे -6 मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि वो 6 मीटर जो है डाउन जा रहा है, देयर फोर आई एम इंडिकेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव साइन, और ये कंपलसरी भी है करना. ओके, सो द टाइम टेकन टू डिसेंड कितना नीचे जाने के लिए, -360 मीटर नीचे जाने के लिए कितना टाइम लेगा वो, योर -360 मीटर -360 मीटर डिवाइडेड बाय
माइनस सिक्स. ओके, इट मीन्स आपका 6 मीटर 1 मिनट में जा रहा था, है ना. तो 360 मीटर जो है वो कितने देर में जाएगा, माइनस 360 डिवाइडेड बाय माइनस 6, एंड इट विल बी योर, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड इट विल बी योर 60 मिनट. सो इट मीन्स इट विल टेक 60 मिनट्स, दैट इज 1 आवर. ओके, क्योंकि वो माइनस 6 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, देयरफॉर 360 मीटर कितने मिनट में जाएगा, 6 से, माइनस 6 से डिवाइड कर दोगे, एंड हेयर बिकॉज वो मिनट में चल रहा है हमारा, सो आंसर विल कम ओनली इन मिनट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.4 एंड ऑल्सो द चैप्टर फर्स्ट. सो जस्ट कंप्लीट योर नोट्स इन केस ऑफ एनी डाउट. क्लास 7, लेट मी नो इन द गूगल क्लासरूम, एंड फर्स्ट यू शुड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. ओके, so thank you class for watching the video. Stay happy and stay safe at home.